हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम अपने YouTube वीडियो को बैकग्राउंड में चलाए या फिर अपने फ़ोन को ऑफ करके यानी अपने मोबाइल स्क्रीन को बंद करके अपने YouTube वीडियो को ऑन रखें, अपने म्यूज़िक को सुनते रहें, तो आप लोग ये चीज़ बहुत आसानी से कर सकते हो। बस आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। सबसे पहले हमें आ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद अब यहाँ पे ऊपर सर्च बार दिखेगा, सर्च बार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सर्च करना है www.youtube। देख सकते हो यहाँ पे आप लोग www.youtube.com आपको ये सर्च कर लेना है। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे, आप लोग अपने क्रोम ब्राउज़र में आपका YouTube जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, जो भी आपको सॉन्ग सुनना है उस सॉन्ग पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो आपको क्या करना है, सर्च बार पे क्लिक करना है एंड अपने वीडियो को जो भी सुनना है, आपको जो भी सॉन्ग सुनना है उसको यहाँ पे सर्च कर लोगे। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा वीडियो चालू हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें कुछ इस तरीके से अपने फ़ोन को यहाँ पे इस तरीके से इसको रिमूव कर देना है। रिमूव जैसे करोगे, आपको ऊपर आइकन पर आपका ये म्यूजिक देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, हमारा जो म्यूजिक है वो भी देख सकते हो यहाँ पे चलने लगा है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो म्यूजिक होगा वो बैकग्राउंड में ओपन हो जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ से अपना फ़ोन स्क्रीन ऑफ भी करते हो, अपना मोबाइल बंद भी कर लेते हो, फिर भी आपका ये सॉन्ग जो है वो बजता रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो आपने देख लिया कि पहले ट्रिक में हम अपने ऊपर नोटिफिकेशन में यानी बैकग्राउंड में अपने म्यूजिक को चला सकते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो को चला सकते हैं एंड दूसरे में हम अपने फ़ोन का जो स्क्रीन है उसको ऑफ करके भी यूज कर सकते हैं एंड अपने म्यूजिक को सुन सकते हैं। अब तीसरे ट्रिक में आपको क्या करना है, सबसे सिंपल ट्रिक होने वाला, सबसे सिंपल ट्रिक, आपको चले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है प्ले ट्यूब। जैसे आप लोग सर्च करोगे आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन है, जस्ट इसको क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है। अभी देख सकते हो कि मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसको ओपन वाले पर क्लिक करना है एंड इसको ओपन करना है। जैसे आप लोग ओपन करोगे कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको YouTube की तरह ही सारा फीचर इसमें देखने को मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि ये मोड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर कोई भी मोड एप्लीकेशन नहीं होता है। जो भी एप्लीकेशन होता है वो जेन्युइन एप्लीकेशन होता है, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो। अगर ये जेन्युइन एप्लीकेशन नहीं होता तो मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि मेरे वीडियो के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड लग जाता। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन का आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हो। अब यूज कैसे करना आपको मैं ये बता देता हूँ। सो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये दोनों ट्रिक में से कौन सा ट्रिक बढ़िया लगा, ये प्लेट्यूब एप्लीकेशन से या फिर क्रोम ब्राउज़र पर जाकर डायरेक्ट यूट्यूब से। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऊपर सर्च बार दिखता है, सर्च बार पर क्लिक करेंगे एंड जो भी आपको सॉन्ग सुनना है उस सॉन्ग को आप लोग यहाँ पर सर्च कर लोगे। अब जैसे सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारा सॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जो भी सॉन्ग आपको सुनना है या फिर वीडियो देखना उस वीडियो को यहाँ पर टैप करेंगे। अब जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा एंड आपका जो म्यूजिक होगा वो यहाँ पे चलने लगेगा। जैसा कि देख सकते हो हमारा यहाँ पे वीडियो चल चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इस तरीके से कर देंगे तो हमारा वीडियो जो है वो चलता रहेगा। जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हो यहाँ पर हमारा वीडियो यहाँ पर अभी भी चल रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। एंड यहाँ भी आप लोग अपने फ़ोन का स्क्रीन ऑफ करके इसको यूज कर सकते हो एंड बैकग्राउंड में भी इसको यूज कर सकते हो। तो बिल्कुल हो गया चार ट्रिक। इस चारों ट्रिक का यूज करके आप लोग अपने बैकग्राउंड में YouTube वीडियो को यूज कर सकते हो, चला सकते हो। सो वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो नॉलेजबल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।